साल पहले गोकुल सर से मेरे बात हुई और मैंने इनको बताया कि साइबर अवेयरनेस हम लोग हाई लेवल पे प्रोग्राम था भी चल रहा है, पुलिस ऑफिसर्स के साथ में चलता रहता है, बड़े बड़े हाई लेवल जो नेशनल लेवल पे सिक्योरिटी अवेयरनेस सिक्योरिटी ट्रेनिंग चल रही है जिनमें मैं भी पार्टिसिपेट करता रहता हूँ, लेकिन जो डेली जो साइबर क्राइम केसेज आ रहे हैं वो केसेज कहाँ पे आ रहे हैं, तो ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं उनके साथ में ये केसेस आ रहा है और उन लोगों के बाद में बार बार ये चीजें क्राइम हो रहे हैं, उन लोगों को अवेयरनेस कैसे दिया जाए, हम लोगों की वहां तक पहुंच रही है, युवा जागृति संस्थान की ग्रामीण परिवेश में काफी अच्छी पहुंच है, तो सर ने इसको बहुत अच्छे तरीके से कोर्स को डिजाइन करके और इसकी जो पहल की है मैं इसके लिए बहुत बहुत इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये जो कोर्स है साइबर सुरक्षा संगिनी, इससे बहुत निश्चित रूप से मुझे भरोसा है इस पे कि जो आज के टाइम पे जो रेगुलर साइबर क्राइम केसेस हो रहे हैं उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी और बहुत सारे लोगों की जो मेहनत से की गई जो पैसा होता है अकाउंट में उसको बचाने का श्रेय गोकुल सर को जाएगा, युवा जागृति संस्थान को जाएगा। मैंने बहुत बार न्यूज़पेपर में देखा है कि एक बार मैंने पढ़ा था कि एक दंपति की घर में शादी थी, अपने बेटे की शादी थी, उसके दो दिन पहले उनके अकाउंट से 11 लाख रुपए फ्रॉड हो गए जस्ट शादी से पहले। तो इस तरह की घटनाएं अब जो इतना आप लाइफ टाइम की जो बहुत बड़ी मुश्किल से जो पैसा कमाया जाता है उसको एक झटके में सारा पैसा साफ हो जाता है अकाउंट से, तो ये सब सारी चीजें एक प्रॉपर कोर्स से ही आप लोगों को समझ में आएगी और युवा जागृति संस्थान का जो कोर्स है निश्चित रूप से लोगों को इससे बेनिफिट मिलेगा, फायदा मिलने वाला है। अब ये जो क्राइम केसेज हो रहे हैं कैसे हो रहे हैं, सबसे पहले मैं 5 मिनट लेना चाहूंगा इस पर, मेरे को मौका मिला है तो मैं कोई मौका छोड़ता नहीं अवेयरनेस देने का, तो मैं आप लोगों को मेन चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा जिससे आप लोग अपने आप को अवेयर कर सको, हमेशा सतर्क रह सको। आजकल बांसुर में भी काफी केसेस मैंने देखे हैं, ट्रू कॉलर कौन कौन जाते हैं, ट्रू कॉलर पे किसी का भी मोबाइल नंबर हम ट्रू कॉलर पे देखते हैं उस पर ईमेल आईडी भी दिखती है ईमेल आईडी, उस ईमेल आईडी पे वही नंबर पासवर्ड वही मोबाइल नंबर आप डाल के देखोगे तो ईमेल आईडी खुल जाती है, सबकी नहीं खुलती है, सिर्फ उसकी खुलेगी जिसने पासवर्ड वो मोबाइल नंबर अपना रखा है, राइट, वो मोबाइल नंबर लॉगिन हो गया, वो ईमेल आईडी लॉगिन हो गई और उस ईमेल आईडी पे जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं हम अपने मोबाइल में एंड्रॉइड में जो भी नंबर सेव करते हैं कहां पे सेव होते हैं, जीमेल पे। हैकर्स क्या करते हैं, वो आपकी ईमेल आईडी अपने फोन में लॉगिन करके और सारे कॉन्टेक्ट्स आपके सारे कॉन्टेक्ट्स उसके फोन में चले जाएंगे और आपकी उस नंबर पे जो व्हाट्सएप पे जो प्रोफाइल पिक्चर आपने शो कर रखी है वो हैकर क्या करेगा अपने नंबर से और अपने नंबर पे व्हाट्सएप पे आपकी प्रोफाइल पिक्चर रख लेगा, फिर उसके पास तो सारे नंबर चले गए आपके जीमेल से, फिर वो क्या करेगा सबको मैसेज करेगा कि मैं फला आदमी हूँ, ट्रू कॉलर पे नाम भी आ जाता है कि मैं ये हूँ, मैं ये मेरे को इमरजेंसी में 10,000 की जरूरत है, 20,000 की जरूरत है, मेरे हॉस्पिटल में एडमिट है, मम्मी एडमिट है, शाम को मैं पैसे लौटा दूंगा। ये केसेस ये रिसेंटली अभी पिछले सप्ताह बांसुर में 4-5 लोगों की आइडेंटिटी थेफ्ट बोलते हैं उसको कि आपकी आइडेंटिटी कोई और यूज करके और वो लोगों से फ्रॉड कर रहा है, तो इस तरीके के केसेस में अगर हम पहले से ही अवेयर रहे तो बाद में जो चीजें होती है कि साइबर कंप्लेंट करो फिर पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा, उन सब चीजों से आप पहले ही सतर्क रहो तो ये सब चीजें आपके साथ हो ही नहीं, तो कोई भी आपके साथ ऐसी घटना घट जाती है, ऐसा कोई एक्टिविटी हो जाती है, आपको 1930 पे कंप्लेंट करना है। 1930 एक भारत सरकार की साइबर क्राइम
कंप्लेंट करने का पोर्टल है 1930 पे आप कॉल करके उनको आप सारी डिटेल आप बता दीजिए कि इस नंबर से कॉल आया था, इस नंबर से ये एक्टिविटी हुई थी, ये फ्रॉड हो गया, कितने पैसे का फ्रॉड हो गया, इस डेट को हुआ, इस टाइम पे हुआ, सारी डिटेल आप बता दीजिए। लेकिन उसमें भी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे से काम कर रही है, हजारों लाखों केसेस उनके पास एक दिन में जा रहे हैं, तो इस चीज की कोई श्योरिटी नहीं है कि वो पैसा आपके पास आ जाएगा। उस सामने वाले बंदे ने भी पैसा निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया, तो जितना जल्दी हो सके जैसे ही कोई क्राइम हो जाता है तो तुरंत आपको ये कंप्लेंट करनी है। लेकिन बेटर है कि आप लोग अवेयर रहो, ना अपना मोबाइल किसी को देना है, ना किसी को ओटीपी बताना है। आज बहुत सारे सुसाइड केसेस ऐसे होते हैं जो बहुत एकदम हम लोगों को लगता है कि यार वो तो बहुत अच्छा एकदम ठीक ठाक बंदा था, उसने अचानक सुसाइड कैसे कर लिया। उनके पीछे भी ऐसे केसेस हो सकते हैं, या उसको किसी कोई ब्लैकमेल कर रहा हो, या उसने कोई सेक्सटॉर्शन एक्टिविटी में किसी ने उसको फंसा दिया हो, वीडियो कॉल करके, वीडियो को रिकॉर्ड करके और उसको डराया धमकाया जा रहा हो। तो इस तरीके की एक्टिविटी से आपको अवेयर रहना है। कुछ भी ऐसा हो जाता है आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। किसी भी गर्ल्स के साथ में ऐसा हो जाता है कि आपने मेरे साथ ये चैट कर ली और ये चैट अब मैं फेसबुक पे दिखा रहा हूँ या लोगों को दिखा रहा हूँ या आपके पड़ोसियों को दिखा रहा हूँ, ऐसी कोई भी धमकी देता है उससे आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आपको अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में आपको कंप्लेंट करनी है, 1930 में कंप्लेंट करनी है। और मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, किसी को भी कुछ भी कभी भी किसी भी टाइम पे आपको हेल्प की जरूरत है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। और बहुत सारे मानसून में कुछ केसेस आए थे जिनकी हेल्प जो मेरे पास में आए थे और उनकी मैंने काफी हेल्प करके और रिजोल्यूशन भी मिला और एक बंदे के पैसे भी वापस आ गए थे 40,000 जो फ्रॉड हो गया था उसके साथ। तो अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप लोगों को कोई किसी को भी कोई डाउट है, क्वेश्चन है, आप लोग पूछ सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म आपको हमेशा हर जगह पे इतने आसानी से अवेलेबल नहीं मिलता, तो आप लोगों को कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। फोन पे आजकल सबसे ज्यादा जो चल रहा है कि आपके पास फोन आएगा कि आपने एक एडवर्टाइजमेंट डाली है, ये चीज आप भेजना चाहते हैं, जैसे हम ओलेक्स पे कोई चीज डाल देते हैं, या फिर फोन आएगा कि इंडियन गवर्नमेंट की वजह से कोरोना काल में बहुत ज्यादा केसेस हुए थे, कोरोना वापस आ रहा। तो कोरोना के केसेस में क्या हुआ था कि कॉल करके बोलते थे कि मोदी सरकार जो है आपको राष्ट्रीय कोरोना सुरक्षा कोष से आपको कुछ अमाउंट हम सब लोगों को दे रहे हैं और आपको हम ऑनलाइन कुछ पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ग्रामीण परिवेश के लोग ज्यादा उसमें और ज्यादा ओवर ट्रस्ट कर लेते हैं और उसको अपनी सारी इंफॉर्मेशन देते जाते हैं। वो क्या करेंगे, वो आपको बोलेंगे आप फोन पे ओपन कीजिए, तो फोन पे ओपन करोगे वो आपको पहले ₹1 ट्रांसफर करेंगे या फिर ₹10 ट्रांसफर करेंगे। वो बोलेंगे कि आपका अकाउंट वैलिडेट कर रहे हैं, ₹10 आ गए, आप बोलोगे हाँ जी ₹10 आ गए। फिर बोलेंगे कि अब हम 10,000 भेज रहे हैं, बोले ओके ठीक है भेज दीजिए, आपका ट्रस्ट ले लिया उन्होंने, ₹10 भेज के ट्रस्ट ले लिया। फिर वो आपको एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, आप बोलोगे ठीक है मैं फोन पे ओपन कीजिए, फोन पे आप जैसे ओपन करोगे ₹10,000 का नोटिफिकेशन रहेगा जो कि आपके अकाउंट से कटने की रिक्वेस्ट रहेगी। वो ₹10,000 ₹10,000 आपके खाते से कट जाएंगे, लेकिन उसमें इंग्लिश में लिखा होता है, जनरली कोई लोग पढ़ता नहीं है कि ₹10,000 रिक्वेस्टेड बाय, वो कोई नहीं पढ़ता है। जैसे आप उसके बाद नेक्स्ट डालोगे तो पिन डालने का ऑप्शन आएगा, आप बोलोगे कि मतलब पिन पूछता है, पिन तो कभी नहीं पूछता है, फिर वो आपको वापस से आपका ट्रस्ट लेंगे कि हम इंडियन आर्मी से बात कर रहे हैं और आर्मी के अकाउंट से पैसा जाएगा इसलिए आपका वैलिडेशन जरूरी है। फिर आप पिन डाल दोगे, आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। तो किसी भी प्रकार के जो भी आपको सोशल इंजीनियरिंग इस तरीके के बहकावे में लेके और इस तरीके से पैसे आपके अकाउंट से फ्रॉड करने की कोशिश करेंगे, आपको किसी भी तरीके के फ्रॉड में आना नहीं है। और ज्यादातर आपको इस तरीके के कुछ लोन्स के एप्लीकेशन
आप जो लोन लेते हो आपके पास की प्री अप्रूव्ड लोन 50,000 का लोन मिल गया, क्लिक करते ही सिंगल क्लिक पे लोन मिल जाएगा।